पुलिस अधीक्षक स्वप्निल मंगाई के लाखों प्रयासों के बाद भी जिला अस्पताल के चौकी इंचार्ज अपनी पकड़ के चलते पुलिस अधीक्षक की बातों पर अमल करना नहीं चाहते और आए दिन अपने कारनामों में सुर्खियां भी खूब बटोर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जिला अस्पताल में प्राइवेट एम्बुलेंस चलती है। एम्बुलेंस चालक परेशान होकर कई बार उच्च अधिकारियों से शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन चौकी इंचार्ज ब्रिजेंद्र सिंह की ऊंची पहुंच के चलते कार्रवाई नहीं हो पा रही। एम्बुलेंस चालकों ने बताया कि जब से यह चौकी इंचार्ज बनकर आए हैं 2000 रुपए प्रति एम्बुलेंस महीने लेते हैं, अब कह रहे हैं कि 5000 दो तभी गाड़ी चलाने दूंगा। रविंद्र सिंह ने यह भी आरोप लगाया है कि चौकी इंचार्ज कहते हैं कि जो पैसा हम लेते हैं उसमें से सीओ व अन्य उच्च अधिकारियों को पहुंचाते हैं और मेरी एक LIC भी चल रही है जिसे भरने में पैसे लगते हैं। मैं उस LIC को नहीं चला पा रहा हूं। अगर तुम लोग पैसे नहीं दे सकते हो तो गाड़ी मत चलाना। इस पूरे मामले में शिकायत के बाद सीओ सिटी को जांच दी गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जांच में जो आरोप लगाए गए हैं वह कितने और किस हद तक सही साबित होंगे। क्या नाम है, क्या दिक्कतें हैं? रविंद्र सिंह नाम है सर मेरा। मैं यहाँ पर एम्बुलेंस चालक हूँ। यहाँ चौकी इंचार्ज ब्रजेंद्र सिंह आए दिन हम लोगों को गाली गलौज करते हैं, पैसे की मांग करते हैं। जब से ये आए हैं पिस पोस्टिंग में 2000 रुपये हर महीने हम लोग इनको देते थे, लेकिन अब इनका कहना है कि 5000 रुपये पर महीने दो तभी हम गाड़ी चलाने देंगे। साहब, हम गरीब आदमी परिवार के भरण पालन हेतु यहाँ आते हैं। 40 किलोमीटर दूर से आके हमने रोजी रोटी के लिए परिवार के भरण पोषण करते हैं। अब हम लोगों को अंदर जाने से रोकते हैं, कहते हैं गाड़ी एक ही लोग चलोगे दो नहीं चलोगे, कभी कहते हैं 10000 दे दो तो 3-4 लोग चलो। आए दिन साहब यही समस्या हम लोगों के है। रास्ते में रोक के गाली देते हैं, मारपीट करते हैं, माँ बहन की गालियां देते हैं और साहब पैसे भी ले लिया, काम भी नहीं करने दे रहे हैं। ये मेरी समस्या है। पैसे लेकर क्या बोलते हैं, कहाँ कहाँ देना होता है इनको पैसे? कहते हैं कि 20000 रुपये हमको कोतवाली में देना होता है, 40000 CO को देते हैं, 50000 SP को देना पड़ता है और साथ में मेरी एक LIC की किस्त नहीं हो पा रही, हमको नहीं बचता। ऐसा करो, तुम लोग पैसे बढ़ाओ, नहीं गाड़ी चलाना बंद कर दो। तो आप लोग कप्तान साहब से मिलेंगे, कप्तान साहब से अपनी न्याय की गुहार लगाएंगे? बिल्कुल मिलेंगे। क्या उम्मीद है आपको न्याय मिल पाएगा? जी, सोच तो यही रहे हैं, अपेक्षा भी यही है। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी मदद करें, आप लोग हमको न्याय दिलाया जाए।